हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू द टेक सब कुछ चैनल। दोस्तों, सैमसंग M32 स्मार्टफोन के बारे में तो आप लोगों को पता ही होगा। अगर कोई 15,000 से कम बजट में सैमसंग कंपनी का स्मार्टफोन लेना चाहता है तो सैमसंग M32 काफी अच्छा स्मार्टफोन है। इसमें हमें डिस्प्ले, कैमरा, बैटरी वगैरह काफी अच्छी देखने को मिलती है। वहीं कंपनी अब इस स्मार्टफोन का एक 5G वेरियंट लाने वाली है, यानी कि सैमसंग M32 5G वेरियंट जल्द ही लॉन्च होने वाला है। इस स्मार्टफोन को सैमसंग इंडिया की सपोर्ट पेज पर देखा गया है, जहां पर हमें इसके प्रोसेसर और रैम के बारे में पता चल गया है। इसके अलावा इस स्मार्टफोन में और क्या कुछ देखने को मिलेगा, इसके फीचर क्या होने वाले हैं, इसमें कौन सा चिपसेट दिया जाएगा और इसकी प्राइस क्या होने वाली है, सब कुछ आज की इस वीडियो में आप लोगों को पता चल जाएगा। तो वीडियो काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है, वीडियो को एंड तक जरूर से देखें। और अगर चैनल पर पहली बार आए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को जरूर दबाएं। तो गाइस, सबसे पहले बात कर लेते हैं इस स्मार्टफोन के लुक और डिजाइन की। तो यहां पर इस स्मार्टफोन का अभी तक फर्स्ट लुक सामने नहीं आया है। वहीं देखा जाए तो ये स्मार्टफोन हमें सैमसंग M32 M42 जैसा ही देखने को मिलेगा, जिसमें कि हमें पॉलीकार्बोनेट बॉडी दी जाएगी, स्क्वायर शेप में कैमरा हाउसिंग होने वाला है और लाइन वाला या शायद टेक्सचर वाला कोई नया डिजाइन देखने को मिले। इसके अलावा बात करें इस स्मार्टफोन के फ्रंट की, तो इस स्मार्टफोन में हमें 6.5 इंच का एक HD+ डिस्प्ले देखने को मिलेगा, जो कि सुपर अमोलेड डिस्प्ले होने वाला है। जी हाँ, यहाँ पर दोस्तों आपको HD+ डिस्प्ले ही देखने को मिलेगा, क्योंकि सैमसंग इस स्मार्टफोन को 20,000 से कम प्राइस में रखने वाली है, तो सैमसंग HD+ ही डिस्प्ले इसमें देने वाली है। बाकी अगर फुल HD+ डिस्प्ले होता तो काफी सही रहता। वहीं बात करें इस स्मार्टफोन के रैम वेरियंट की, तो इस स्मार्टफोन में 4+64GB देखने को मिलेगा और एक 6GB वेरियंट भी देखने को मिलेगा, जिसमें के साथ में 128GB स्टोरेज देखने को मिल सकती है। वहीं ये स्मार्टफोन आउट ऑफ द बॉक्स एंड्रॉइड 11 पर मिलेगा और सैमसंग 3.1 UI देखने को मिल सकता है, जिसमें कि आपको काफी सारे नए फीचर देखने को मिलेंगे। इसके अलावा बात करें इस स्मार्टफोन के कैमरा की, तो इस स्मार्टफोन के बैक में हमें क्वाड कैमरा सेटअप देखने को मिलेगा, जिसमें कि 48MP का प्राइमरी लेंस होने वाला है, 8MP का अल्ट्रा वाइड होगा, 5MP का मैक्रो और 2MP का डेप्थ सेंसर दिया जाएगा। वहीं इस स्मार्टफोन के फ्रंट में 13MP का सेल्फी कैमरा होने वाला है। तो ओवरऑल देखा जाए तो इस स्मार्टफोन में कैमरा हमें काफी अच्छे देखने को मिलेंगे, जिसमें कि आप 4K वीडियो 120fps पर स्लो मोशन वीडियो वगैरह निकाल पाएंगे। नाउ बात करें अब इस स्मार्टफोन के सबसे मेन हाईलाइट फीचर इसके प्रोसेसर की, तो इस स्मार्टफोन में मीडियाटेक की तरफ से आने वाला Dimensity 720 चिपसेट देखने को मिलेगा, जो कि 7 नैनोमीटर की टेक्नोलॉजी पर बेस्ड है, 2 GHz पर क्लॉक और इसमें माली G57 GPU देखने को मिलेगा। तो परफॉर्मेंस वाइज ये स्मार्टफोन काफी अच्छा रहने वाला है, तो यहाँ पर आप इस स्मार्टफोन पर गेमिंग वगैरह भी काफी अच्छे से कर पाएंगे। वहीं बात करें इस स्मार्टफोन की बैटरी की, तो इस स्मार्टफोन में 5000mAh की बैटरी देखने को मिलेगी, जिसको कि आप 15W की चार्जर से चार्ज कर पाएंगे। जी हाँ, यहाँ पर बैटरी तो हमें ठीक ठाक मिल जाती है, बट वहीं चार्जर हमें काफी स्लो देखने को मिलेगा। यहाँ पर एटलीस्ट कंपनी को 20 या 25W का चार्जर देगी तो काफी सही रहेगा। इसके अलावा इसमें डुअल 5G 3.5 हेडफोन जैक, USB टाइप सी, साइड माउंटेड फिंगरप्रिंट स्कैनर, फेस अनलॉक और नॉक सिक्योरिटी वगैरह इसमें देखने को मिल जाएगी। वहीं बात करें इस स्मार्टफोन के लॉन्च डेट और प्राइस की, तो ये स्मार्टफोन बहुत ही जल्दी हमें देखने को मिलेगा, शायद से नेक्स्ट वीक हमें देखने को मिल सकता है, क्योंकि ये स्मार्टफोन सैमसंग इंडिया की सपोर्ट पेज पर लाइव हो गया है, तो इसकी लॉन्च डेट काफी ज्यादा नजदीक है। इसके अलावा बात करें इस स्मार्टफोन की प्राइस की, तो जैसा कि आपको पता है कि सैमसंग M42 इस टाइम पर हमें 20,000 की प्राइस में मिलता है, तो सैमसंग इस स्मार्टफोन को M42 से कम प्राइस में ही रखने वाला है। तो सैमसंग इस स्मार्टफोन को 15 से 16,000 की प्राइस में लॉन्च कर सकता है। वहीं 16,000 के प्राइस में सुपर अमोलेड डिस्प्ले, Dimensity 720 प्रोसेसर, 48MP का क्वाड कैमरा और 5000mAh की बैटरी जैसे फीचर मिल जाते हैं। तो यहां पर ओवरऑल देखा जाए तो फीचर इस स्मार्टफोन में इतने कुछ खास नहीं मिलते, सिवाय इसके कैमरा और प्रोसेसर के। बाकी आप लोग बताओ कि आपकी क्या है राय सैमसंग M32 5G स्मार्टफोन के बारे में। अगर ये स्मार्टफोन 15 से 16,000 की प्राइस में लॉन्च किया जाता है तो क्या आप इस स्मार्टफोन को लेना पसंद करेंगे या नहीं करेंगे, बताना नीचे कमेंट बॉक्स में। और वीडियो अच्छी लगी तो यार प्लीज वीडियो को लाइक कर देना। मैं मिलता हूं आपसे एक और ऐसे नई वीडियो में, तब के लिए टेक केयर एंड गुड बाय।